खबर रीवा से है, जहां ओलंपिक एसोसिएशन रीवा और हैंडबॉल संघ रीवा के संयुक्त आयोजक में हैंडबॉल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन मार्तन क्रमांक एक विद्यालय के प्रांगण में दिनांक 12 जनवरी से 15 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 250 खिलाड़ी महिला एवं पुरुष और 50 अधिकारी शामिल होने के लिए रीवा आ रहे हैं। यह आयोजन का 7वां संस्करण होगा, जो रीवा के लिए गौरव का विषय है। उक्त उद्बोधन करते हुए आयोजकों ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। आइए सुनते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजित होने वाले खेल के संबंध में क्या जानकारी दी गई है। 19 जिलों से यहाँ पर खिलाड़ी आ रहे हैं और ये ओलंपिक संघ रीवा और हैंडबॉल संघ रीवा के तत्वाधान में ये प्रतियोगिता प्रारंभ की जा रही है। ये प्रतियोगिता पिछले 7 वर्षों से 7वां संस्करण है। पिछले 7 वर्षों से प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। हैंडबॉल प्रीमियर लीग के नाम से ये प्रतियोगिता हम लोग करवाते हैं। इसमें एक टीम में मध्य प्रदेश के सभी जिले के खिलाड़ी इसमें शामिल रहते हैं, जैसे आप IPL वगैरह आप देख सकते हैं। और काफ़ी इसमें अधिकारी भी आ रहे हैं, 50 के आसपास अधिकारी आ रहे हैं और 250 के आसपास हमारे खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था और मैदान हमारा मार्तन क्रमांक एक रखा गया है। यहाँ पर हमारे पास उपस्थित हैं संभागीय क्रीड़ा अधिकारी माननीय IP सर और OP दुबे सर, जिला क्रीड़ा अधिकारी के साथ भी यहाँ पर सलकान सर हैं। सबके सहयोग से ये प्रतियोगिता हमारा कराने का निर्णय लिया गया है। क्या उद्देश्य हमारा? सबसे पहला तो उद्देश्य खिलाड़ियों के लिए है कि हम खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच दे पाएँ, और हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, उनको हम आगे बड़े मंचों पर प्रमोट कर पाएँ, उसका लाभ भी मिल रहा है। सबकी नज़रें हमारे ऊपर रहती हैं रीवा से कि रीवा के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हाल ही में हमारी 14 वर्षीय टीम और 19 वर्षीय टीम, दोनों टीमें हमारी फाइनल में मध्य प्रदेश स्तर पर खेली हैं। तो इस तरह की लीग कराने का एक यही उद्देश्य है कि खिलाड़ियों की जो प्रतिभा है वो बहुत ऊपर आती है, तो ये उद्देश्य है। दूसरा एक उद्देश्य है कि खिलाड़ियों को हम खेल से ही नहीं, खेल के साथ साथ उनके रोज़गार और उनकी व्यवस्था हम लोग कर पाएँ। तो जो भी हम जैसे आयोजन कराते हैं तो कई लोगों से हमारी बात भी चलती है कि हमारे खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ उनके पेट से भी जोड़ने का कार्य किया जाए, जिससे खेल हमारा बढ़े। अक्सर ये होता है कि सिर्फ खेल खेल में ही रह जाते हैं, तो खिलाड़ी बाद में बेरोज़गारी और इस तरह की चीज़ें जो फेस करते हैं वो ना करें, हमारा ये एक उद्देश्य है। और अगला उद्देश्य ये है कि हम बालिकाओं को की प्रतिभाओं को बढ़ाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जैसे उद्देश्य चलता है, हमारे भी एक बहुत अच्छा उद्देश्य है। पिछली बार हमने 30 सम्मानित महिलाओं का सम्मान किया था पिछली बार की प्रतियोगिता में, इस बार भी हमें इस तरह का प्रयास करने जा रहे हैं। प्लस हम खिलाड़ियों को ये संदेश देना चाहते हैं अनुशासन का भी, क्योंकि बिना अनुशासन के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी अन्य क्षेत्र में आप जाएंगे, अनुशासन का उनको ये है कि अनुशासन वो सीखें। जिस तरह से अब पेशेंस कम हो गया है सुनने का और काम करने का पेशेंस देते हैं, तो नशा से लगभग हम दूरी बना लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो वर्सटाइल उद्देश्य है, ये उद्देश्य हमारे सातवां सीजन आपका है, इस हाँ बार क्या कुछ अलग होगा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ इनोवेटिव सब करते हैं जी, आपका क्या रहेगा इस बार कुछ? इस बार हम अपने खिलाड़ियों को सुविधाओं में उनकी हम वृद्धि कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को हम उनको ट्रैक शूट वगैरह अपने यहाँ से प्रदान करवा रहे हैं, और मैन ऑफ द मैचेस वगैरह जो होते हैं तो हम उनको कैश की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हमारा बजट हो पाए, जितना हमारे सामाजिक और यहाँ के रीवा से जितने भी हम लोग कर सकें, तो ये हमारा एक अलग है कि खिलाड़ी उसको पा के थोड़ा सा अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। और एक और उद्देश्य है ये है कि अभी हाल ही में संपन्न हो रही है प्रतियोगिता चाइना में, एशियाड हैंडबॉल कंपटीशन है, तो एक ये भी उद्देश्य है कि यहाँ से जो बेहतरीन खिलाड़ी निकलें तो उस प्रतियोगिता में रीवा से भी हमारा खिलाड़ी कोई इंडिया टीम के लिए पार्टिसिपेट कर पाए। इसके लिए भोपाल से ऑब्जर्वर भी आ रहे हैं इस चीज़ को कि यदि यहाँ से कोई अच्छा खिलाड़ी हो तो उसको हम ट्रायल के आधार पर उसको डायरेक्ट हम एंट्री दिला सके इंडिया टीम में। तो ये हमारा इसमें प्रशासन का नगर निगम से हमारा योगदान रहता है, जैसे ग्राउंड बनवाना है तो उनके लिए रोलर की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इस तरह से प्रशासन का सहयोग है। सुरक्षा के लिए हमने आवेदन किया हुआ है सिविल लाइन थाने पे, तो इस तरह से उनकी व्यवस्था है। कितनी टीमें भाग लेंगी इसमें? 8 टीमें भाग लेंगी, 8 टीमें बालक वर्ग में रहेंगी और 8 टीमें बालिका वर्ग में रहेंगी। रुकने के लिए जैसे माननीय कलेक्टर महोदय जी से हमने आवेदन किया था,
तो उन्होंने एक पत्र निकाल के और रुकने की व्यवस्था GTC कॉलेज पे बालिकाओं के लिए रखी है और बालकों के लिए लॉ कॉलेज के लिए रखा है। पिछली बार भी प्राचार्य महोदय ने काफ़ी सहयोग किया था और माननीय प्राचार्य महोदय ने भी GTC ने भी काफ़ी सहयोग किया था। उसके लिए हमने ये भी आवेदन दिया हुआ है कि वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर महिला पुलिस पिछली बार भी थी, इस बार भी व्यवस्था की जाए। और हम अपनी तरफ से, संघ की तरफ से, हम खुद उस कॉलेज का पहले मुआयना करते हैं। साफ़ सफाई खुद हम लोगों ने पिछले बार भी करवाई थी, इस बार भी हमने बोला है प्राचार्य महोदय को, चूँकि थोड़ा सा व्यवस्थाओं में कमी रह जाती है सरकार की तरफ से, तो उसको हम लोग फिर करने की कोशिश करते हैं।